जय हिंद दोस्तों। आज बात करूंगा सभी एक्सर्विसमैन यानी चाहे वो जेसीओ हैं, जवान हैं, विडोज हैं, इनकी पेंशन में प्रॉब्लम आ रही, इनको स्पर्श के साथ जुड़ने में प्रॉब्लम आ रही है और ये आर्मी हेडक्वार्टर की एडवाइजरी निकली है और ये एडवाइजरी क्या कहती है, क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है और उसको कैसे रिजॉल्व करना है, इसको कैसे खत्म करना है, ये दो पेज की चिट्ठी का आज पोस्टमार्टम करूंगा, आपसे मैं बात करूंगा। ये चिट्ठी है इंटीग्रेटेड हेडक्वार्टर एमओडी एडजुटेंट जनरल ब्रांच एडिशनल डायरेक्टर जनरल एमपी 14 फरवरी की दोस्तों सभी रिकॉर्ड ऑफिस को भेजी गई है, सभी और रिकॉर्ड ऑफिस जितने भी हैं रिकॉर्ड्स हैं। और सब्जेक्ट क्या है, कैप्चरिंग ऑफ आधार नंबर इन स्पर्श माइनर मिसमैच इन नेम्स, यानी आधार आपका जो आधार कार्ड के साथ जो मिसमैच चल रहा है स्पर्श के साथ, आखिर वो गलती क्यों हुई है, कैसे हुई है और उसका निराकरण क्या है और सबके लिए उपयोगी है, सभी ऑल टाइप ऑफ पेंशनर्स हैं जो भी हैं दोस्तों। इसमें लिखा है कि मैक्सिमम आधार नंबर ऑफ माइग्रेट पेंशनर्स हैव बीन ऑब्टेन फ्रॉम बैंक एंड अपडेट इन स्पर्श बाय पीसीडीए अपडेट पीसीएल, सीधा मतलब मैक्सिमम जो आधार कार्ड का डाटा है, नाम है आधार कार्ड का, कहां से लिया गया है, बैंक से, यानी जब हम अकाउंट खुलवाते तो हमारा बैंक में जो आधार है वहां से उन्होंने डाटा कलेक्ट किया है। However, there are considerable number whose Aadhaar are not available with a bank and pensioner required to be updated their Aadhaar in Sparsh through pre-login service update Aadhaar या CSC available Sparsh Center या Sparsh Portal। उन्होंने कहा है बहुत लोगों के आधार कार्ड बैंक में अवेलेबल नहीं है, अब उनके लिए PCDA क्या करे, तो ये पहले तो रिकॉर्ड ऑफिस को चिट्ठी लिखी गई है और यदि आपने उसमें खुद करना है तो सर्विस अपडेट या सीएससी सेंटर है जो आपके हेल्प सेंटर है स्पर्श के, स्पर्श सर्विस सेंटर, वहां उनके पोर्टल पर जाके आप अपडेट करा सकते हो। इट वाज रिपोर्टेड बाय रिकॉर्ड ऑफिस एंड सर्विस सेंटर दैट मेनी पेंशन आर अनेबल टू अपलोड देयर आधार नंबर ड्यू टू डेमोग्राफिक वैलिडेशन फेल्स ऑनिंग अ माइनर मिसमैच ऑफ नेम इन आधार कार्ड पीपीओ सर्विस। उन्होंने बोला कुछ इंडिविजुअल इसीलिए नहीं कर पा रहे कि उनका जो आधार कार्ड है जो बैंक के साथ संलग्न है और जो आधार नंबर हमारे पास है उसमें मिसमैच है, डेमोग्राफिक वैलिडेशन की प्रॉब्लम आ रही है, नाम में अंतर, अब किस किस प्रकार की प्रॉब्लम आ रही है, एब्रीवेटेड नेम अदर डॉक्यूमेंट, अब कुछ नाम की एब्रीवेशन है वो डॉक्यूमेंट दोनों में थोड़ा अलग अलग है, फर्स्ट मिडिल एंड लास्ट नाम जंबल, अब कोई नाम है किसका फर्स्ट नेम पे आ गया, किसी का मिडिल नेम बाद में आया, क्योंकि ये स्टेट गवर्नमेंट के लोग बनाते हैं तो वो और फौज के डॉक्यूमेंट से मिसमैच हो रहा है, स्पेलिंग मिसमैच लाइक है चौहान या चौहान, जैसे उन्होंने बोला चौहान सी एच ओ यू एच ए एन और सी एच ए यू एच एन, ओ और ए का फर्क है वो मिसमैच है, राठौर आर ए टी एच ओ आर ई या आर ए टी एच ओ यू आर या ओ, चौधरी की स्पेलिंग लक्ष्मी की रीता आर डब्ल्यू टी ए या आर आई टी ए, प्रोनाउंसिएशन सेम है, बंदा सेम है बट स्पेलिंग ई की जगह आई ओ की जगह यू, ऐसे कुछ एक दो मिसमैच हो जाते हैं और वो वैलिडेशन ग्राफिंग में रिजेक्ट हो रहा है, स्पेस लाइक राजकुमार हरिहरन स्पेस, जैसे राजकुमार तो राज स्पेस कुमार है या राजकुमार इकट्ठा, ये भी वैलिडेशन आ रही है, मिसिंग सरनेम लाइक है समथिंग समथिंग संगीता संगीता कुमारी, सरनेम का कहीं जुड़ा है कहीं देवी है कभी कुमारी है कभी सरनेम लगा दिया, ये सारे मिसमैच, यूज ऑफ सर्विलेशन रेंज ऑफ मिस्टर एस एम टी हवलदार, किसी ने हवलदार लगा रखा है, बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं, इनके लिए क्या करना है। टू अवॉइड द डिफिकल्टीज बीइंग फेस्ड द पेंशनर्स द मैटर वाज डिस्कस्ड इन हाई लेवल मीटिंग ऑन स्पर्श, इट वाज एग्रीड अपॉन टू अलाउ पेंशनर टू अपलोड कॉपी ऑफ आधार कार्ड ऑन स्पर्श फॉर मैनुअल वेरिफिकेशन एंड अथेंटिकेशन विद डिजिटल सिग्नेचर द प्रोसीजर इज एच अंडर। उन्होंने बोला कि बड़ी एक मीटिंग हुई हाई लेवल, इस पर डिस्कस किया गया कि इसको कंसिडर करेंगे और इंडिविजुअल इसको अपने तरीके से उसमें अपलोड करे, क्या सच रिक्वेस्ट विल अपियर द आई डी सर्विस इनिशियटिव कॉरेस्पॉन्डेंस वर्कैज लिस्ट, क्या क्या डाला, इमेज ऑफ आधार कार्ड विल बी अवेलेबल इन माई डॉक्यूमेंट में, आप अपना आधार कार्ड को डालिए और जंगनेस शुड बी एस्टेब्लिश देयर केयरफुल एग्जामिनेशन ऑफ द आधार कार्ड एंड सर्विस रिकॉर्ड, इफ रिक्वायर्ड पेंशन कैन बी कॉन्टेक्टेड द गिवन मोबाइल नंबर टू असर्शन फैक्ट्स, अपना मोबाइल नंबर उसके साथ लगाई कुछ गलती हुई तो उससे बात की जाएगी, देयर मेनी मिसमैच इज डेट ऑफ बर्थ आल्सो मे बी करेक्ट अमेंडेड सिमिलरली सब्सिक्वेंटली टर्म्स ऑफ एमओडी डीएसडब्ल्यू लेटर नंबर 23 दिसंबर 2014 के हिसाब से अमेंडमेंट किया जाएगा,
cases of complete mismatch in name with service record is liable to be rejected. बहुत सारे चीजें आपकी रिजेक्ट हो रही हैं, रिकॉर्ड को लिखा है कि आपके पास जो डाटा है आप वहां से आप इनके संबंध में भेजिए या इंडिविजुअल सर्विस सेंटर जाके खुद अपलोड करेगा साइट पे जाकर के. वंस द ऑथेंटिकेशन डन बाय वेरीफाई थ्रू द डिजिटल सिग्नेचर टोकन इन आधार नंबर विल गेट अपडेट इन स्पर्श. यानी वंस करेक्टनेस ऑफ आधार नंबर रेट रिकॉर्ड ऑफिस एज देर इज नो फर्दर चेक ऑफ पीसीजे. एक बार रिकॉर्ड उसको कंफर्म वेरीफाई करके भेज देगा तो एक्सेप्ट किया जाएगा. यानी ये बहुत ही एक थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है हम सबके लिए. ना ही हम इतना ज्यादा कंप्यूटर चलाना जानते हैं, ना ही हमें इतना ज्यादा इस मोबाइल के साथ इन सब चीजों को ऑपरेट करना आता है, और ना ही इफेक्टिवली कोई इस पर सेंटर इस पर काम कर पा रहा है, ना ही साइबर कैफे में इसका सुधार हो पा रहा है. ये चीजें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो रही है और हाई लेवल पर इसकी मीटिंग हुई है कि आधार कार्ड डेमोग्राफिक वैलिडेशन जो फेल है और उसके लिए कोई ना कोई ये अपने खुद के समाधान है. ये लेटर आज 4 दिन पहले निकला है, आज 18 तारीख है, 14 तारीख को, और इसको इजी करने के लिए कोई ना कोई और प्रोसेस होंगे. हम जरूर बात करेंगे कुछ और ऐसे सर्विस सेंटर्स की जहां आसानी से बंदों को इस परेशानी से निजात दी जा सके.